है। नमस्कार, मैं मदन लाल, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। गैंगस्टर भानु प्रताप का साथी भीमा विदेशी हथियारों के साथ ग्रामीण कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गैंगस्टर भानु प्रताप का प्रमुख साथी व स्वर्प शूटर रविंदर उर्फ भीमा रविवार को कोटा ग्रामीण पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 5 साल पहले अपने ही साथी हार्डकोर बदमाश अशोक माली की हत्या के मामले में फरार भीमा को कैथून पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। वह गैंगवार में भानु प्रताप सिंह की हत्या करने वाली एक अन्य गैंग के सरगना गैंगस्टर शिवराज सिंह की हत्या के इरादे से विदेशी हथियारों के साथ कैथून आया था। शिवराज सिंह रविवार को 3 घंटे की पेराल पर जेल से बाहर आया था। इसी दौरान भीमा की शिवराज सिंह की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन वारदात पहले से ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी भीमा ने 5 साल पहले अपनी गैंग के साथी अशोक माली की हत्या का राज भी उगला है। पुलिस ने भीमा उर्फ रविंदर सिंह के कब्जे से अमेरिकन मेड 2 पिस्टल, डबल मैगजीन व कारतूस बरामद किए हैं। भीमा उर्फ रविंदर सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड 3 प्रकरणों में, उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी। आइए। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण डॉक्टर राजीव पचार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भीमा उर्फ रविंदर सिंह कानपुर थाना क्षेत्र के गांव जोलापा का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में भीमा ने बताया कि वह 30 जून 2013 को अपनी गैंग के साथी अशोक मालिक के साथ कोटा से पार्टी करने डाट देवी जंगल में गया था। वहां शराब पीने के बाद वे दोनों अपनी पिस्टल चेक कर रहे थे, तभी ट्रिगर दबने से भीमा की पिस्टल से गोली चल गई, जो कि पास बैठे साथी अशोक माली को कमर में घुसकर निकल गई। इससे अशोक माली की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद भीमा ने अपनी बोलेरो में अशोक माली की लाश को डाला, फिर मोडपुर थाना इलाके में बारापाटी के जंगल में अशोक माली की लाश को फेंककर भाग निकला। 4 जुलाई 2013 महावीर नगर कोटा निवासी अशोक माली की लाश मिलने पर मोडपुर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस टीम ने कैथून पुलिया पर भीमा को किया गिरफ्तार। भीमा ने अशोक माली की मौत का खोला राज। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आरोपी भीमा ने भानु प्रताप एवं अन्य साथियों ने वर्ष 2008 में गैंगस्टर लाला बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद रविंद्र उर्फ भीमा ने रमेश धोलपुरिया एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर झालावाड़ में वर्ष 2012 में सत्तू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद कोतवाली झालावाड़ पुलिस ने 2016 से भीमा को कार्बाइन एवं 300 कारतूस के साथ पकड़ा था। इन 3 प्रकरणों में उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी है। एसपी डॉक्टर राजीव बाजार ने बताया कि कुछ साल पहले आपसी गैंगवार में शिवराज सिंह की गैंग में हमला कर गैंगस्टर भानु प्रताप की हत्या कर दी थी। तब से भीमा ने शिवराज की हत्या कर बदला लेने की ठान रखी थी। शिवराज सिंह ने अपने चाचा की मृत्यु होने पर रविवार को 3 घंटे की आत्मिक पेरोल लेकर जेल से बाहर आया था। इस मौके का फायदा उठाकर भीमा ने शिवराज की हत्या करने की योजना बनाई थी। वह विदेशी हथियार लेकर कैथून पहुंच गया था। इसी बीच पुलिस ने विशेष टीम के सदस्य अजीत मोगा को तकनीकी रूप से जानकारी जुटाने पर भीमा के कैथून में आने की सूचना मिली। इसके बाद कैथून थानाधिकारी दिवेश भारद्वाज और अजीत मोगा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कैथून पुलिया पर अपने 2 साथियों का इंतजार कर रहे आरोपी भीमा को गिरफ्तार कर लिया। तब पूछताछ में उसने अशोक माली की हत्या करने का राज भी